हिंदी लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे थे ना, फर्स्ट चैप्टर। यस मैम। कंप्लीट हो गया मैम? यस मैम। यस मैम। क्या पढ़े थे इसमें बताओ? फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने कंप्लीट, अच्छा ये बताओ इसका क्वेश्चन से भी टिक करवा दिए थे? यस मैम आपने करा दिए थे। पूरा हो गया था हम ये क्वेश्चन सर ने। चलिए आज सेकंड चैप्टर पढ़ना है आपको। यस मैम। ठीक है सेकंड। फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? दुर्गेश सृष्टि अब है फर्स्ट चैप्टर जो बताए थे, ऐसी कोई चीज जो ना समझ में आई हो आप लोगों को? नो मैम। चलिए सेकंड चैप्टर है हमारा वर्ड विचार। वर्ड विचार क्या समझते हो वर्ड विचार से? हमने ऐसा ये देखो एक चीज सुनो, जब हमने पेज नंबर 5 पर हमने ये बताया था ना कि व्याकरण के विभाग मतलब कि उसके कितने भागों को व्याकरण में बांटा गया है, तो 3 थे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, यही बताया गया था। yes, देखो पहला तुम्हारा सेकंड चैप्टर कौन सा है? वर्ण विचार। वर्ण विचार। इसीलिए अब जब नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ोगे थर्ड वो होगा आपका शब्द विचार, और फोर्थ चैप्टर जब पढ़ोगे वहां होगा वाक्य विचार। ठीक है यही चीज हम उस दिन बता रहे थे कि आपकी ग्रामर क्या है पूरी इसी पे बेस्ड है। ठीक है yes, yes, तो वर्ण विचार में वर्ण से आप क्या समझते हो? मैं वर्ण सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वेरी गुड अग है। और दिवेश आप क्या बता रही हो? मैम वर्ण को अक्षर कहते हैं। और सृष्टि आपका क्या कहना है? कि वर्ण ऐसे हैं जो कि तोड़े नहीं जा सकते, सबसे छोटे हैं वो। वर्ण क्या होते हैं? मैम क्या? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। क्या लिखा है ये? रथ। हम इसको कहे कि अलग अलग करो, अलग करो, कर लोगी इसको अलग? यस मैम। मैम क्या क्या होगा? कैसे अलग होगा? मैम रा प्लस था। आप प्लसमन था तुमने ऐसे तोड़ा। ठीक अगर हम तुमसे कहें अब राव था को तोड़ो? मैम नहीं टूटेगा क्योंकि मैम वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। छोटी ध्वनि ये हमारा क्या कहलाता है? शब्द, जिसे हम तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये हमारा वर्ण है या इसी को अक्षर कहते हैं, जिसे हम तोड़ नहीं सकते ना ही इसे हम अलग कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? यही होता है हमारा वर्ण। क्लियर है? यस मैम। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हम बात करते समय अर्थात बोलते समय शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से बनता है। जब हम जो बात कर रहे हैं ये क्या है? शब्द है। ठीक हम लोग क्या करते हैं? शब्दों को जोड़कर बोलते हैं ना। पहले अक्षर जुड़ते हैं, फिर शब्द जुड़ते हैं, फिर वाक्य जुड़ते हैं। ठीक है? यस मैम। तो प्रत्येक शब्द अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से बनता है। जो प्रत्येक शब्द होता है वे बहुत ही छोटी छोटी ध्वनि से मिलकर बनता है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, यहाँ पे क्या है? पेड़ पर चिड़िया बैठी है। हमने आपसे बोला लिखा है पेड़ पर चिड़िया बैठी है। बैठी बैठी है। यहाँ पे बता सकते हैं कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? मैम पांच शब्दों का। मैम पांच शब्द, एक पेड़, एक पर, एक चिड़िया, एक बैठी और एक है। यहाँ पे पांच का प्रयोग किया गया है। ठीक है?
पांच शब्द yes, से हमारे क्या मिलकर बन गए थे? वाक्य। अब वाक देखो, वाक देखो, और ये शब्द के अंदर क्या है? वर्ण निहित है, वर्णों से शब्द बना। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो पा प्लस रा हो जाएगा, ये होगा। ये वर्ण से बना है, पहले ये वर्ण से बना है, वर्ण के बनने के बाद ये शब्दों से मिलकर क्या बना? एक वाक्य बना। ये वाक्य बने पांच शब्दों से मिलकर बने हैं। ठीक है, इन पांचों शब्दों में प्रत्येक अनेक छोटी छोटी ध्वनियां हैं। इन पांच शब्दों में क्या है? प्रत्येक की छोटी छोटी ध्वनि है। लिखित रूप में ये ध्वनियां वर्ण कहलाती। जब हम इसको लिखते हैं तो यही ध्वनि हमारी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया आपका शब्द, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये लिखा हमने शब्द, अब दिखा? Yes, ma'am. और यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ण। ठीक, पहला शब्द क्या है? पेड़। इसको हम जब तोड़ेंगे या इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? मैम, पा प्लस ए। ए क्यों होगा बताओ? ए क्यों होगा? मैम उसकी मात्रा है, एक ही मात्रा लगी है। ठीक है, यस मैम। फिर है क्या आएगा? डा। अड़ा। डा क्यों आएगा? अड़ा। और फिर आ। मैम छोटा। क्यों छोटा आएगा? मैम जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसकी ध्वनि आ निकल रही है। वेरी गुड। जब हम उच्चारण करते हैं तो पेड़, तो क्या हो रहा है उच्चारण में? आ ध्वनि निकल रही है। फिर उसके बाद है पर। पर ये बताइए, पर। मैम पा प्लस आ। पा प्लस, फिर क्या होगा? आ छोटा। मैम छोटा आ। छोटा, फिर प्लस रा। रा प्लस आ छोटा। ठीक, ये हो गया पर। फिर है आपका चिड़िया। बताइए इसका क्या होगा? मैम चा। चा प्लस छोटी। एक मिनट, चा प्लस छोटी ई। फिर उसके बाद अड़ा। फिर प्लस छोटी ई। छोटी। फिर प्लस या। प्लस या। और फिर प्लस प्लस बड़ा। क्यों क्यों होगा बताओ? मैम क्योंकि या मैम में आ की, बड़े आ की मात्रा लगी, मात्रा लगी मैम या में। क्रिस्टी आप बताओ? मात्रा लगी है, तो मात्रा को तोड़ तोड़ कर लिखना है इसलिए। क्योंकि चा में क्या लगी थी? छोटे की मात्रा, तो हमने ये लिखी। पेड़ा में कौन सी मात्रा लगी? छोटी की, तो फिर मैंने लिखी। यहाँ के बाद कौन सा आ लिखा है? बड़ा। तो ये हमारा हो गया बड़ा। ठीक, बैठी, दिख रहा है तुम लोग को? बताइए इसका क्या हो जाएगा? मैं बड़ा ए वाला ना, बड़ा ए वाला। प्लस थास। मैं प्लस ए प्लस बड़ी। तो बैठी हो गया। ठीक है, यस मैम। आपके पास है, है है, इसका बताइए क्या हो जाएगा? था प्लस है।
मैम हाँ प्लस ए, हाँ प्लस ए, इससे क्या हो गया है? तो इतनी चीज समझ में आई, ये क्या है? अच्छा ये बताओ, हमने ये जो टुकड़े टुकड़े में लिखा है, हमने इसके टुकड़े किए, किस तरह से लिखना है लिखा, ये हमारा क्या कहलाता है, बता सकते हो कोई? ये तो हमारे वर्ण है, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? वर्ण। हमने प्लस लगाया, इसको अलग अलग किया, क्यों मतलब अलग अलग तो किया, लेकिन इन्हें कहते क्या है, कोई बता सकता है? आप लोग पढ़े अगर ध्यान देंगे तो याद आ जाएगा। नहीं जानता कोई, बताइए। नहीं जानता है कोई तो बताइए, हम बताएं। नो मैम, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद याद आया? यस मैम। मतलब कि बड़ों को हम जब अलग अलग कर रहे हैं, उनका विच्छेद कर रहे हैं, किसका? पेड़ का, पर का, चिड़िया का, बैठी, तो ये हमारा क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्लियर है किसी? यस मैम। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब और अब तोड़ो तो क्या टूटेगा? और अलग करने के लिए, विच्छेद और करने के लिए कहें, नहीं होगा, ठीक। तो यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है, वर्ण और वर्ण विच्छेद। क्लियर हुआ इतनी चीज? यस मैम। फिर है आपका इसके बाद वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार बताइए क्या होता है? मैम वर्णों के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। मैम ग्यारह। मैम ग्यारह हमारे होते हैं, ग्यारह। और व्यंजन कितने होते हैं? मैम तैतीस। जिन वर्णों का उच्चारण, किसे कहते हैं पहले सुन लो, जिन वर्णों का उच्चारण, जब हम जिस वर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना, स्वर में क्या होता है? ये किसी की मदद के बिना हम लोग बोलते हैं, किसे? स्वर को। उन्हें स्वर कहते हैं, मतलब कि जिसे हम बिना किसी की मदद से बोलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा कहलाता है स्वर। स्वरों को उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती, मतलब कि जब हम स्वर, जितने भी हमारे स्वर हैं, जब उनका उच्चारण कर रहे होते हैं, तो हमारे जो मुंह के भीतर की हवा या वायु कह सकते हो, वो बिना ही रुकावट के बाहर निकलती है। इनके निर्माण में स्वरों की कुल संख्या 11 है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इतनी चीज क्लियर हुई? ये कितने होते? 11 ये होते हैं हमारे 35। अब हम एक लेके पहले चलेंगे, किसको, किसके बारे में पहले जानेंगे? स्वर के बारे में, ठीक है? पहला है हमारा स्वर। 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 स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, बता सकते हो आप लोग? मैम मैम स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? नहीं पता तो हम बताएं, बताइए। अभय, दुर्गेश, रिश्ते, तीन भागों में, ठीक है? स्वर दीर्घ स्वर,
और एक होता है आपका पलुस, पलुस ये तीन भागों में बांटा गया है। क्या होता है खास स्वर का मतलब होता है तीन वर्ण का उच्चारण, ठीक है, तीन वर्ण का उच्चारण एक सेकंड या एक गुना के समय से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं हास स्वर, मतलब उसके समय में कितना लगता है नहीं बोलने में, मात्र बहुत ही कम समय लगभग एक सेकंड, ठीक। तो यहाँ भी बताया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब कि बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हम हास स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं हास स्वर हमारे, चार होते हैं, चार, छोटा छोटा छोटी छोटी और री, ठीक है। इनके उच्चारण में हमें क्या बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी बोले जाते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे होते हैं सात, सात सात, कौन कौन से, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, और एक छोटा ए, बड़ा ओ, छोटा ओ। देखो सात हुए, yes, ma'am. ठीक। इनके देखो हाथ स्वर बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम सेकंड के लिए बोला जाता है, और दीर्घ स्वर में लगभग हाथ स्वर से सिर्फ दो गुना समय लगता है, ठीक है, दो सेकंड कह सकते हैं, दो गुना हाथ स्वर से सिर्फ दो गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हाथ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, मतलब कि अगर इसमें एक सेकंड का समय लग रहा है तो इसमें कितने समय का सेकंड लगेगा बताओ, दो सेकंड, दो सेकंड, मतलब दो गुना समय लगता है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर, नाम से ही पता चला दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा। दीर्घ स्वर सात होते हैं जो हम बता दिए हैं। लास्ट आपका आता है पलुत्थ स्वर, पलुत्थ स्वर, ठीक है। इनके उच्चारण में कितना समय लगता है, तीन गुना समय, ठीक है, मतलब कि इनके उच्चारण में हास स्वर और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तीन गुना समय लगता है, और पलुत्थ स्वर एक ही होता है। अब वह कौन होता है जो आगे तरह आता है, ठीक है, इस तरह के जिस जिस वर्ड में लग जाता है वो होता है पलुत्थ स्वर, जैसे ओम, ठीक है, ये संस्कृत में ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, आप लोग कभी कभी देखिएगा ये संस्कृत में आता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पलुत्थ स्वर। तो हास स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत्थ स्वर समझ में आया, स्वर के प्रकार, yes, किसी को इसमें डाउट, नो मैम, ठीक। उसके बाद आपका आता है एक्स्ट्रा में, स्वर में ही गृहित स्वर क्या होता है, तो क्या होता है, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का हिंदी में समावेश हो जाने के कारण आ स्वर को गृहित स्वर के यथानि का रूप ले लिया जाता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों जैसे डॉक्टर, बॉल, टॉफी, रॉकेट आदि में किया जाता है, मतलब कि क्लब करें, ये समझ में आ गया है, आपका आता है गृहित स्वर। इसमें क्या होता है, इसका ऐसे सिंबल होता है, ठीक है, मतलब कि जो अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं
उन्हें हिंदी में क्या होता है, हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में समावेश हो जाता है। जैसे अब डॉक्टर लिखा है, ठीक है, एक डॉक्टर, ये क्या है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। बॉल, यस मैम, ओके, मतलब ये इंग्लिश में भी प्रयोग होते हैं और हिंदी में भी, ठीक है। डॉक्टर हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी। रॉकेट हम लोग, यस मैम, रॉकेट है तो इंग्लिश में ही लिखते हैं ना। यस मैम, क्या लोग कुछ लिखते हैं, बॉल है, इसे भी हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, ठीक है। तो यही yes, बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में समावेश हो जाता है। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम, नो मैम। लास्ट में आपका क्या आता है? अच्छा ये बताओ, स्वर हमारे हो गए थे 11, ठीक, yes, हमारा और तक था ना, आ से लेके और तक, ठीक, आज के इसमें दो बचते हैं, अंग और आहा, यही दो बचता है ना। यस मैम। अब आप पूछोगे ना ये दोनों कहाँ गया, ये तो जब इनके स्वर में गिनती नहीं हुई तो इनको तो कहीं रखा गया होगा ना, कहीं और पे भी कहीं नहीं रखा गया। इन्हें कहाँ रखा गया, इन्हें अन्य वर्ण में रखा गया है। अन्य वर्ण में किसे? अंग और अहा, और एक होता है चंद्र बिंदी वाला, ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक। देखो अन्य वर्ण में पहला ऑप्शन है अनुस्वार, अनुस्वार इसमें क्या होता है, जो अंग की बिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अंग की बिंदी का जो प्रयोग होता है वे अनुस्वार होता है, इनका उच्चारण नाक से होता है, ठीक, नाक पे ज्यादा बल देके बोला जाता है। जैसे कंगन, कंगन, हंस, कंठ, तो ये क्या हो रहा है, इसमें नाक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, नाक पे ज्यादा बल देके से इनका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। इनका सिंबल होता है चंद्र, सॉरी बिंदी। एक होता है आपका अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक मैम ये चंद्र बिंदी का है, ये होता है चंद्र बिंदी का, ठीक है, जिसके उच्चारण में या जिसके शब्द में चंद्र बिंदी लगते हैं उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। इन्हें हम नाक और मुख दोनों से प्रयोग करके बोलते हैं, जैसे नाक और गले से, ठीक है, जैसे चांद, चांद, माँ, सा, माँ, उच्चारण कैसे हो रहा है, इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, ठीक है, इनमें नाक और गला दोनों का प्रयोग करके हम बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज? और एक लास्ट आपका आता है विसर्ग, विसर्ग, ठीक, इसका क्या सिंबल होता है, किसी भी शब्द के बाद जो आ की मात्रा लगता है, ठीक, यस मैम, यही इसका सिंबल होता है। जैसे कोई बता सकता है शब्द, कोई मैं बताऊं, अतः, वेरी गुड, अतः मैम, अतः ये क्या होता है, नमः, नमः, तो क्या हो रहा है, देखो विसर्ग के प्रयोग हो रहा है कि नहीं, मैं प्रातः, हो गया, हो गया है, यस मैम, ठीक। देखो हमने कहा था तुम्हारे ये दोनों बचते हैं, यस मैम, अन्य वर्ण में कहाँ कहाँ रखा गया है, एक अनुस्वार में, एक विसर्ग में रखा गया है, क्लियर है, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, इसमें आप कुछ भूलोगे तो नहीं? नो मैम, कोई कंफ्यूजन?
नो मैम। सब क्लियर है इसमें? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो आप लोगों को स्वर वाला समझ में आया? यस मैम। सृष्टि, अभय, दुर्गेश, कोई दिक्कत आप लोगों को स्वर वाले में? नो मैम। समझ गए ना स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? yes, जो स्वर बच रहे हैं उनको कहाँ रखा जा रहा है? तो यही है, अभी आपका yes. बहुत चीज बाकी, अभी आपकी स्वरों की मात्राएं भी बाकी हैं, फिर है आपका व्यंजन, इसी तरह व्यंजन है, व्यंजन के भेद हैं और वर्ण विच्छेद लास्ट में। तो इसको yes, भी धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो अभी जो पढ़ाए हैं उसको पहले आप एक बार पढ़ लीजिए कि कहाँ पे तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है? यस मैम। लिटरेचर का फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया है? यस मैम, पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा। कॉपी में भी? यस मैम। मैम बुक में, कॉपी में। सृष्टि, अभय, बोलिए। नहीं हुआ है तो कर लीजिए बेटा आप लोग, ठीक है? जिनका नहीं हो रहा है वो कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, ये भी बात है कह रहे तुम लोग से, ठीक है? कि मान लो लिटरेचर फर्स्ट सेकंड चैप्टर में नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। दुर्गेश? यस मैम। कॉपी में हो गया आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर? यस मैम, दोनों हो गए चैप्टर। लैंग्वेज में गए? यस मैम, लैंग्वेज में भी वन चैप्टर हो गया है। कॉपी में उसे कर लीजिए। सृष्टि, आप भी जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही वाला करेंगे, ठीक है? स्वरों की जो मात्राएं से स्टार्ट करेंगे। और आपकी एक राइटिंग वाली बुक है ना, तो राइटिंग वाली बुक कर रहे हैं ना, एक एक पेज रोज डेली? मैम आज मेरे पापा जाएंगे लेने, ठीक है? और आप लोगों के पास जो बुक आ रही है सुंदर लेखन वाली, ठीक है? राइटिंग वाली बुक मेरे पास नहीं है, आके ले लीजिए। बाकी जो बच्चों के पास बुक जो भी बाकी है वो आके ले लीजिए, ठीक है? यस मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।